नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि। आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। अभी मौजूद हैं रोहतक के गांव बोहर में, सोनीपत रोड पर नहर के पास, जहां पर आपको बता दें जो यहां के स्थानीय निवासी हैं काफी हद से ज्यादा परेशान हैं। कारण भी अब आपको बता देते हैं। यहां पर जो मेन रोड पे नाला है वो काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। जो पानी, गंदा पानी है, वहां सारा दिन 24 घंटे इकट्ठा हुआ रहता है। और यह समस्या जो है आज से नहीं है, कम से कम 7-8 महीने से है। जिस समस्या को जो यहाँ के निवासी है वह झेल रहे हैं, काफी परेशान है। इनका कहना है कि हमारे बच्चे हैं घर में, हम लोग रहते हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और जो यहाँ का जो पानी का गंदी स्मेल है, गंदी बदबू है, वो घरों के अंदर भी जाती है। खाना पीना रहना दूभर हो चुका है, यहीं से बीमारियां भी फैल रही हैं। कभी बीच में कितने बच्चों को भी, इनका कहना है, जो तबीयत उनकी बहुत खराब हो गई थी और जब कंसर्न किया गया डॉक्टर से, तो उनका यही कहना है कि ये जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो स्मेल है, वो चढ़ रही है, जो बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। तो अभी हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय निवासी है वो जुड़े हैं, तो उनसे बात करते हैं इस बारे में, उनका क्या कहना है। नमस्ते मैम। क्या नाम है? परवीन नाम है मैम। तो क्या समस्या आ रही है? मैम, ये पानी की समस्या, हमने कई बार कंप्लेंट MC को भी दे लिए, रोहतक भी दे लिए, पर वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। तो क्या MC कौन है यहाँ? अजय भगवान है जी। तो क्या कहते हैं, कब से ये समस्या आ रही है? इन्हें साल भर था ऊपर हो लिया, बारिश हो जाए जब भाई, इतना पानी हो जाए, बालक सबको सकोल में जाना है और सामान लेने में जब दिक्कत आ जाए। कितना समय हो गया इस बात को? इस बात को साल भर हो लिया। साल भर में कितनी बार आप लोग कंप्लेंट? हम 4-5 बार कंप्लेंट करे आए। हर बार करते हैं। उनका क्या कहना है? कोई नहीं आता, वो कहता है करवाएंगे, फिर कोई आता ही नहीं है। क्या चाहते हम? चाहते हैं नाले की सफाई हो और ये पानी का कोई वो निकासी हो। क्या नाम है? नमस्कार जी, राकेश है जी। क्या समस्या ये है जी, 24 घंटे नाले में पानी बाहर आया रहता है और हमारी भी बहुत परेशानी होती है। हमारे चाचा जी का घर है, इनको भी निकलने में परेशानी होती है और अड़ोसी पड़ोसी है सबको परेशानी हो रही है। बहुत बुरी बदबू आती है इसमें से। ये हमारी साइड में दुकान है, त्यौहार का टाइम चल रहा है, कोई भी ग्राहक दुकान के बाहर गंदा पानी हम देख पा रहे हैं, इसी का ही है। हाँ जी, नाले का ही है। कई बार कंप्लेंट की है, चाचा जी भी ऊपर भी फोन करते हैं, निगम में भी फोन करते हैं, आते देख के बोलते हैं हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा। इस बात को कम से कम भी साल हो गया है, कुछ समाधान नहीं हो रहा। हमारी तो यही गुजारिश है, बस इस समस्या का समाधान हो जाए हमारा। ये अपनी दुकान हलवाई की, त्यौहार का टाइम आ रहा है, गंदा पानी देख के कोई भी कस्टमर नहीं चढ़ता है, मच्छर मक्खी बहुत बुरा हाल है। कस्टमर रुकता है देख के आगे चले जाता है कि यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। और बच्चों को भी बीमारी हो रही है, बीमार हो रही है, खांसी है, जुकाम है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हमको। और त्यौहार के टाइम पे ही हमारा ये हाल है। फिर ये 2-3 महीने कमाई के ये हमारे हो नहीं रहे हैं, हम भी पैसा लगाते हैं फिर सामान खराब हो जाता है। ठीक है, ग्राहक आते नहीं है तो कहाँ से क्या बेचेंगे। क्या नाम? हाँ जी, उपेंद्र कुमार, बोर गाँव का निवासी हूँ जी। बहुत कंप्लेंट कर ली, मैंने फ़ोन करता हूँ समित फुला के पास, तो फ़ोन उठाते हैं, बोला सफाई करवाएंगे, सफाई नहीं होती। अभी 15 दिन पहले भी फ़ोन पर बात हुई थी, कर्मचारी भेज रहे हैं, कर्मचारी नहीं भेजे। तो यहाँ के MC है, उनसे बातचीत की आपने? MC तो कुछ भी नहीं करता जी। क्या नाम है उनका? जय भगवान है जी। क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं भाई आगे जाओ, तुम निगम में जाओ। तो आप लोग गए थे निगम में? हाँ, निगम में गए हम, कई बार जा लिए। पहले रोड नहीं बना था तो बढ़िया पानी निकलता था, रोड बनने के बाद पानी निकल गया हमारा, रास्ता ही नहीं। लास्ट टाइम कब सफाई हुई थी नाले की? लास्ट टाइम हुई थी कोई 1.5 महीना सारा होगा जी, तब सफाई हुई थी, वो महीना सारा चला ठीक, ये फिर दिक्कत हो गई है। लगातार 1 साल से ऐसी समस्या? हाँ, ऐसी समस्या चल रही है जी, परमानेंट समाधान नहीं हो रहा, कोई समाधान नहीं हो रहा जी। तो आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ के निवासी हैं वो इस समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि जो ये गंदा पानी यहाँ पर 24 घंटे खड़ा रहता है, उसकी वजह से हमारे घर में स्मेल चढ़ती है, उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। जो यहाँ के दुकानदार हैं, दुकानों के बाहर आधा आधा फुट पानी खड़ा हो जाता है, 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है गंदा, जब बारिश आती है और वही गंदा पानी नाले का उसमें मिक्स हो जाता है, वही दुकान के अंदर जाता है। कस्टमर जो हैं दुकान में आने से घबराते हैं, इसी वजह से इनके काम धंधे में भी फ़र्क पड़ रहा है। आपको बता दें, अभी कुछ ही देर पहले अभी यहाँ पर बारिश हुई थी, जब हम आए थे तो यहाँ पर सिर्फ नाले का पानी था, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नाले का पानी है, लेकिन 10 से 12 मिनट की बारिश ने वो जो बारिश का पानी है वो उस पानी में मिक्स हुआ और वो गंदा काला पानी में तब्दील हो गया। यही हम प्रशासन को चताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी समय से परेशान है, 1 साल हो गया। इनका कहना है कि जो यहाँ के MC हैं इस
बारे में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो इनको कहते हैं कि आप ऊपर जाओ, निगम में जाओ। और इन लोगों का कहना है कि ये निगम में जाते हैं तो भी इनकी सुनवाई नहीं होती है। तो डिजिटल भूमि के माध्यम से मेरी प्रशासन से यह हाथ जोड़कर अपील है कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए, इसकी ये जो समस्या है इसका हल किया जाए। ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें डिजिटल भूमि के साथ। नमस्कार।